रेसिपी के लिए। इसमें राई मिलाई है, पिसी हुई राई है, जिसमें कि जीरा, हींग और सौंफ का यूज किया हुआ है। साथ में पाउडर, हल्दी पाउडर यूज किया हुआ है, टर्मेरिक, जिसे हम टर्मेरिक कहते हैं, और साथ में टाटा आयोडीन, नमक, साल्ट यूज किया हुआ है। और देखते हैं, बड़े अच्छे से मिलाया गया है। देखते हैं अब इसमें क्या तेल मिलाया जाएगा। तेल को यूज किया गया है और थोड़ा सा तेल इसके अंदर डब्बे के अंदर डाल दिया गया है, जिसमें कि चारों तरफ से अच्छे से मिक्स होके उसमें लगा रहे हैं। अब ये मिर्च, बड़ी मिर्च का यूज, अचार वाली मिर्च यूज की जा रही है अचार रखने के लिए, जैसा कि आप देख सकते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट चटकारे मार वाला अचार है। और देखिए दोस्तों, ये तो मैंने पहली बार देखा था, जिससे कि मुझे रहा नहीं गया, मैंने तुरंत मंगवाया मार्केट से मिर्ची हरी मंगवाई और उसको मैंने एक दिन के लिए काट के रखा और सुखाया, उसको दो पीस किए एक मिर्च के, जिससे कि सब करने में बड़े आराम से यूज कर सकें। और देखें क्या साइज है, आह मज़ा आ गया भाई साहब। ये तो ये देखो फिलिंग की जा रही है मिर्च की अचार की। अब इसको एक बड़े कंटेनर भर दिया जा रहा है और देखते हैं ये 2-4-10 दिन में खाने योग्य हो जाएगा। इसमें हल्का सा एस्टिक एसिड भी मिलाया हुआ है, इसे हम सिरका बोलते हैं। और क्या बात है, ये अचार का डब्बा पैक हो गया है। अब इसको हम 4-5 दिन में खा पी के सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।